अभी हम लोग क्या करेंगे, तो फर्नीचर वाला पार्ट्स देखेंगे। हम लोग ने कल मटेरियल देखा था, सारे चीज़ें देखा था क्या क्या करना है। तो इस पे अभी हम लोगों को करना है कि तो फर्नीचर डालना है। फर्नीचर्स हम लोगों को कहाँ पे चाहिए, तो बेडरूम रहेगा वहाँ पर बेड सप्लाई करना है हम लोगों को, जहाँ पे किचन रहेगा किचन प्लेटफॉर्म वगैरह रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों को इम्पोर्ट करना है। क्या करना है, तो गूगल पे जाना है डायरेक्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या करोगे, तो गूगल पे आपको यहाँ पे क्या डालना है, 3DS आर्चिव ये टाइप करना। गूगल पे क्या टाइप करोगे, तो 3DS आर्चिव करके ये टाइप करना है। इसमें देखो फर्स्ट एक लिंक दिया है, ये वाला फ्री 3D मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर्चिव डाउनलोड 3DS ऑब्जेक्ट, तो ये वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है गूगल पे ये डालने के बाद। ओके, तो इस पे देखो आपको राइट साइड में सारे फर्नीचर का लिस्ट दिखेगा। अभी मुझे क्या चाहिए, तो बेड लेना है या फिर चेयर लेना है, टेबल्स है, ये बहुत सारी चीज़ें दिया है, मिरर्स चाहिए, बहुत सारे रहेगा। अभी एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से मुझे जो चाहिए मैं उसको ले सकती हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, तो बेड्स जो है उसको क्लिक करूँगी, ये क्लोज करना। तो इसमें देखो बहुत सारे लिस्ट दिखा रहे हैं आपको। अगर मुझे ये फर्स्ट वाला पेज नंबर पे नहीं पसंद आ रहा है, मतलब मुझे ऐसे वाला बेड डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो मैं सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करूँगी, वो लोड हो जाएगा, तो सेकेंड लिंक पे दिखेगा आपको अगेन। अभी इस पे से मुझे कौन सा बेड चाहिए, तो मेरे को जो भी बेड लेना था उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, मुझे ये वाला बेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑप्शन है, तो इसको डाउनलोड करो, अगेन यहाँ पे डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे दिखेगा वो डाउनलोड होने के बाद, ठीक है। अभी इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं क्या करना है। अपने को क्या करना है, तो गूगल पे जाना है फर्स्ट, उस पे क्या करना है, यहाँ पे 3DS आर्चीव करके टाइप करना है। ओके, ये टाइप करने के बाद आपको एक लिंक दिखेगा फर्स्ट में, ये वाला फ्री 3D मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर्चीव, ये लिंक पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्लिक कर देंगे। अभी ये भी लोड हो जाएगा, ठीक है। लोड होने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में बहुत सारे लिस्ट है, आपको क्या चाहिए इसमें से। अभी मैं नीचे भी जाऊंगी, देखो किचन का बहुत, किचन फर्नीचर है, किचन वेयर, किचन इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें, डोर विंडो भी है, कारपेट्स है, पिलो है, फिर कर्टेंस लेना रहेगा हम लोगों को विंडो में लगाने के लिए, सारी चीज़ें है, ठीक है। समझ लो मुझे लेना है इधर से पिलोज वगैरह या फिर कर्टेंस वगैरह जो भी रहेगा। अभी इसमें से मुझे कौन सा कर्टेन चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। अभी मुझे चाहिए तो ये वाला कर्टन्स लेना है मुझे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऐसे दिख रहा है। अगर मुझे ये वाला कर्टन्स नहीं पसंद आ रहा, तो मैं इधर से बैक जाऊंगी पहले, और अगर मुझे ये फर्स्ट पेज में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो नीचे देखो स्क्रॉल करोगे, ये सब पेजेस है। फर्स्ट में नहीं पसंद आ रहा है, तो आप सेकंड पेजेस में जा सकते हो, या फिर थर्ड में जा सकते हो, फोर्थ में जा सकते हो, सारे पेजेस में चेक कर सकते हो। मैं सेकंड पेज में पहले चेक करती हूँ, तो सेकंड पेज में से इसमें से कुछ पसंद आ रहा है क्या, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। ओके, इसको क्या करना है, तो डाउनलोड करना है इधर से, और यहाँ पे अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना, यहाँ पे ये डाउनलोड होता है। अभी ये क्या था, तो ये पहले हम लोग ने बेड लिया था ना, वो बेड था जो डाउनलोड हो रहा है, इसको क्या करेंगे, तो सिलेक्ट करके शो इन फोल्डर कर देना। ये देखो जो डाउनलोड हो गया है उसके राइट साइड में एक एरो दिया है ना, वो एरो पे क्लिक करोगे तो क्या करना है, शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर से क्या होता है, तो जो फोल्डर भी हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है वो फोल्डर दिखेगा,
अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या सबको? अक्षय दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ तो ये दोनों चीजें हम लोग ने डाउनलोड किया, ये जो है ये बेड है, ये जो है वो क्या है, तो कर्टेन से फर्स्ट हम लोग ने बेड डाउनलोड किया था ना, इसके लिए वो दिख रहा है। अभी जो जस्ट हम लोग ने कर्टेन्स डाउनलोड किया तो वो कर्टेन्स वाला दिख रहा है। सेकेंड चीज क्या करना है, ऐसे बाहर नहीं रखना है हम लोगों को जो भी डाउनलोड किया हुआ है, एक फोल्डर बनाना है हम लोगों को पहले। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगी, तुम लोगों को आता है ना सबको फोल्डर बनाने के लिए, तो मैं फर्नीचर करके एक फोल्डर बनाऊंगी पहले। ओके, फर्नीचर है ना ये सब चीजें जो हम लोग फर्नीचर डाउनलोड कर रहे हैं, इसके लिए फर्नीचर करके क्या किया मैंने, तो एक फोल्डर बना लिया। फर्नीचर के अंदर में वो फोल्डर के अंदर जाना पहले, फिर क्या करना है, तो बेड लेना है ना मुझे, तो फर्नीचर फोल्डर के अंदर मैं और एक फोल्डर बनाऊंगी जो बेड का फोल्डर है, तो बेड करके फोल्डर डाल दिया। फिर कौन सा था बेड, तो ये वाला था जो फर्स्ट हम लोग ने डाउनलोड किया, उसको कट कर दो। क्या करना है, तो कट करना है, इसको राइट क्लिक करके इधर से कट करना, और ये जो फर्नीचर फोल्डर के अंदर हम लोग ने बेड का फोल्डर डाला है उसके अंदर इसको क्या करना है, तो पेस्ट करना है। ओके, आ गया, समझ रहा है क्या सबको? आवाज नहीं आ रहा है सबका, म्यूट करके रखा है, समझ रहा है क्या? हेलो। हाँ बोलो ना। अभी क्या हो गया, तो हम लोग ने इसको कट और पेस्ट कर दिया था वो फोल्डर में, बेड वाला फोल्डर में, बेड था ना ये इसके लिए। ठीक है, फिर ये जो है जो हम लोगों का फाइल डाउनलोड हो गया है उसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट हेयर, इसको क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके रखना है ये फोल्डर के अंदर। फिर क्या डाउनलोड किया था, तो कर्टन्स डाउनलोड किया था, बराबर ना? ये जो था ये कर्टन्स वाला फोल्डर था। तो हम लोग फर्नीचर फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, और एक फोल्डर बनाएंगे न्यू में जाके, फोल्डर किस चीज का, तो ये मेरा कर्टन्स है, इसके लिए मैंने कर्टन्स का एक फोल्डर बना दिया। फिर क्या करेंगे, तो जो मेरा डाउनलोड हो गया था उसको फिर से कट कर देंगे, और ये जो कंटेंट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर फिर से मैं पेस्ट कर दूंगी। ओके, फिर इसको राइट क्लिक करके अगेन मैं एक्स्ट्रैक्ट हेयर करूंगी, सेम करते जाना, एक फर्नीचर फोल्डर बनाते जाना है। अभी आप किचन का कुछ चीजें ले रहे हो, तो फर्नीचर के अंदर किचन का अगर प्लेटफॉर्म रहेगा तो किचन प्लेटफॉर्म करके एक फोल्डर बना के, फिर जो डाउनलोड किया हुआ रहेगा उसको कट करके पेस्ट करके लेके आना है, और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, तो क्या करना है, ये रेफरेंस बॉक्स है मेरे पास, उसको फिर से एक बार बताती हूँ मैं। ये 6 बाई 6 का है, बराबर? किधर से लिया था हम लोग ने, तो यहाँ पे शेप से इधर से हम लोग ने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया था, और ये रेक्टेंगल का साइज हम लोग ने रखा था तो 6 फीट बाय 6 फीट का रखा था, बराबर ये किया था। और ये जो बेड है इसको हम लोगों को क्या करना है, तो 6 बाय 6 के ही साइज में चाहिए, ये जो रेक्टेंगल का साइज है वही साइज में चाहिए। इसके लिए हम लोग ने ये रेफरेंस रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया था, और ये जो हम लोग ने अभी बेड लिया और उसको एज्यूम करके हम लोग ने साइज भी दिया था, साइज तो पता नहीं है हम लोगों को 6 बाय 6 का है कि कितना ज्यादा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको मूव किया ये रेक्टेंगल के यहाँ पे। अभी ये मूव किया मैंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर से थोड़ा छोटा आया साइज, तो मुझे स्केल करना पड़ेगा फिर से, तो स्केल यहाँ पे ऑन करके मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूंगी। आ गया, ये थोड़ा बहुत बाहर जा साइज रहा। ऑटोमेटिक बड़ा छोटा हो जाता है। हाँ, स्केल लेके माउस को जब आप ऐसे मूव करते हो ना
ड्रैग कर रही हूँ मैं हाँ माउस, तो ऑटोमेटिकली होता है। हाँ अच्छा अभी ये कैसा, थोड़ा सा बाहर जाएगा तो चलेगा। ये देखो ना, ये बेडशीट थोड़ा बाहर जा रहा है, ये चलेगा, लेकिन हाँ इतना बड़ा साइज रखेंगे तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा एडजस्ट होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया मेरा स्केल करके, तो मैं ये रेफरेंस बॉक्स को क्या करूंगी, तो डिलीट कर दूंगी। ओके, अभी देखो, अभी 3D में देखेंगे ना हम लोग इसको। इधर से मैं 3D रख देती हूँ। अब ये क्या हो गया, बेड आ गया लेकिन ये नीचे चला गया। देखो, मेरा यहाँ पे टॉप व्यू में जब मैं जा रही हूँ ना, तो टॉप व्यू में मुझे बराबर दिख रहा है कि है, लेकिन जब मैं फ्रंट व्यू पे जा रही हूँ ना, तो ये नीचे दिख रहा है। देखो, यहाँ पे बेड है मेरा, यहाँ पे नीचे आया और प्लान यहाँ पे है, तो इसको हम लोगों को ऊपर लेके जाना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, कभी भी हाइट के लिए फ्रंट लेफ्ट व्यू सेट कर सकते हो। अभी तो मैंने फ्रंट लिया, फ्रंट पे जाके उसको हाइट दे रही हूँ। अभी कहाँ पे चाहिए ये बेड, तो ये मेरा फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के साथ अटैच होना चाहिए ना ये, तो इसको नीचे लेके आएंगे हम लोग। अभी देखो, ये 3D में देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहा है। ओके, अभी क्या करना है, हम लोग ने कौन सा मटेरियल देखा था, तो मटेरियल में हम लोग ने फ्लोरिंग का देखा था, विंडो का देखा था, डोर का देखा था, वॉल कलर देखा था, वॉल टेक्सचर्स भी देखा था, ऐसे सारे चीजें हो गया था अपना। अभी फर्नीचर को भी तो मटेरियल देना है ना, क्यों देना है दिखाती हूँ मैं। फर्नीचर जब हम लोग ने डाउनलोड किया था, तो उसका इमेजेस कैसे दिख रहा था दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाला फोल्डर पे ये बेड का फोल्डर था, इसके अंदर जा रही हूँ। बेड का मैं इमेजेस ओपन करूंगी इधर से। देखो, ये वाला कैसे दिख रहा है, ये बेड ऐसे दिख रहा है ना मटेरियल के साथ, हाँ बराबर। लेकिन हम लोग जो इंपोर्ट किया, वो कैसे दिख रहा है 3D Max में, वो भी दिखाते हैं। तो कुछ भी मटेरियल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को मटेरियल भी तो डालना पड़ेगा ना फर्नीचर में, जो अपना कॉटन रहता है, सिल्क भी होता है कभी कभी, वो सारी चीजें अपना मटेरियल आना चाहिए फर्नीचर में, बराबर। अभी ये ग्रुप है तो एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मटेरियल तो अलग अलग है। कुशन का मटेरियल अलग है, बेडशीट का मटेरियल अलग है, इसके लिए उसको फिर से अनग्रुप करना है। स्केल होने के बाद जब आप मटेरियल डालते हो ना कौन सा भी फर्नीचर को, सेम मटेरियल रहेगा तो अनग्रुप करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कैसा, पिलोस का, बेडशीट का, सारे चीजों का अलग अलग है मटेरियल, इसके लिए मुझे उसको अनग्रुप करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ पहले मैं कुशन, मैम हाँ, इधर क्लिक करोगे तो देखो ना, ग्रुप के नीचे अनग्रुप है। जब भी ये ग्रुप रहता है तो अनग्रुप ओपन हो जाता है, इसको क्लिक किया ऑटोमेटिकली हाँ अनग्रुप हो जाएगा। हाँ अभी मैं पहले जितना भी मेरे पास क्वेश्चन है ना, उसको सिलेक्ट करूंगी। अभी मैं कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी तो सब एक साथ सिलेक्ट होगा। ये देखो, कंट्रोल क्लिक करके मैंने चारों ही पिलोस को क्या किया, तो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, तो मैं इमेज में देखूंगी ना, इमेज में मेरा जो ये बेड का पिलोस का मटेरियल है, वो थोड़ा पिंक कलर में दिख रहा है, तो मैं इधर से मटेरियल ओपन करूंगी। मटेरियल का शॉर्टकट की मैंने कल बताया था, एम प्रेस करना है। ठीक है, एम प्रेस कर देंगे तो ये मटेरियल ओपन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या देखे थे, तो मटेरियल को हम लोग ने एम प्रेस करके ओपन किया था। ये ओपन होने के बाद क्या करना है, तो हम लोगों को पिलोस को पहले मटेरियल लेना है। मैंने यहाँ पे एक मटेरियल पहले सिलेक्ट कर दिया, और ये डिफ्यूज के बाजू में जो ये वाला बटन दिख रहा है, तो वो बटन को हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग ने कल देखा था ना, बिट मैप लेना था, उसमें से जो भी आपके पास टेक्सचर्स रहेगा, कुछ
कुछ अलग टाइप्स का मटेरियल रहेगा वो भी आप ले सकते हो। इसमें भी सेम करना है, तो बटन क्लिक किया। अभी इसमें से क्या करूंगी, मैं जनरल ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी, बिट मैप में जाएंगे, और मेरा फर्नीचर का फोल्डर कहाँ पे था, जहाँ पे मैंने बेड रखा था, जो भी फोल्डर में, वो डाउनलोड्स में फर्नीचर्स में था बेड, ठीक है। उसके अंदर जाओगे ना, वो फोल्डर के अंदर आपको इसमें सारे मटेरियल दिख जाएगा। देखो वो बेड में जो जो मटेरियल यूज हुआ है ना, वो सारे मटेरियल क्या करेगा, तो इसमें दिख जाएगा। इसमें से कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है उसको आप सिलेक्ट कर दो। आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी फर्नीचर रहता है उसको एक्सट्रैक्ट होने के बाद वही फोल्डर के अंदर मेरा सारे मटेरियल आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे ऐसे अलग से कर्टेंस लिया, तो उसके लिए मुझे गूगल में जाके अलग से मटेरियल डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। मैंने कुछ टीवी ले लिया, टीवी को भी अलग से मटेरियल डाउनलोड करने का, कुछ भी चीजों को अलग से देने का जरूरत नहीं है। सब चीजों का मटेरियल उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आ गया मेरा, उसको हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। देखो आया मेरा मटेरियल, ठीक है। अभी मुझे बेड को देना है, तो बेड सेलेक्ट किया, बेड के जो यहाँ पे दिख रहा है ना साइड में, वो वाले पार्ट्स को सिलेक्ट किया उसको, और ये साइड में जो है उनको, दोनों को मुझे सेम मटेरियल रखना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर दिया। अभी सेकेंड वाले मटेरियल में जाएंगे, फिर से वो बटन को क्लिक करेंगे, बिट मैप लेंगे। इसको कौन सा मटेरियल देना है हम लोगों को, तो उसको मुझे थोड़ा सा ब्राउन में दे, हाँ ये वाला मटेरियल यूज करेंगे मैं, वुड का यूज करूंगी मैं। ये वाला वुड ले लिया, इसको भी अगेन मैं असाइन करूंगी। सेम मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे वाला ऑप्शन आता है रिप्लेस और रीनेम, तो आपको हमेशा इसको रीनेम करना है। कुछ भी नाम डाल सकती हूँ मैं, ओके करती हूँ, शो करती हूँ, तो उस पर क्या आएगा, वो मटेरियल आ जाएगा। इसको जूम इन करोगे तो देखो दिख रहा है वुड, क्लियर है कैसे किया हाँ मैंने। अभी मुझे क्या करना है, तो ये वाले पार्ट्स को मटेरियल देना है। कौन सा, ये जो दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसको। को दर्शित हाँ उसको सिलेक्ट किया, तो और ये सब उसको भी इस, फिर से वो बटन में जाऊंगी, बिट मैप करूंगी, उसको मुझे देना है तो ये वाला फैब्रिक यूज करना है। इसको ओपन करते हैं, इसको भी अगेन मैं असाइन करके शो कर दूंगी, तो इसको मटेरियल आ गया। अभी मुझे ये ऊपर का जो बेडशीट है उसको मटेरियल देना, तो इसको भी मैं अलग अलग दे सकती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। मुझे ये वाला पार्ट जो है ना, इसको अलग मटेरियल देना, तो मुझे उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से मटेरियल में जाना है, क्लिक करती हूँ, बिट मैप करती हूँ, इसको मुझे थोड़ा डार्क पिंक कलर देना है, तो डार्क पिंक सिलेक्ट किया मैंने। ओपन करना, अगेन योर साइन शो आया। और हम लोग ने कल एक चीज देखा था, जो मॉडिफाई में जाके UVW मैप था, तो अगर आपको ये टेक्सचर्स का साइज ठीक लग रहा है तो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका साइज थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो मैं इसको UVW मैप कर सकती हूँ। ओके क्लियर है। फिर इसको सिलेक्ट करती हूँ, अगेन मैं मटेरियल में जाऊंगी, बिट मैप, और यहां से मैंने ये वाला मटेरियल ले लिया, ओपन असाइन शो। ओके आ गया, देखो सारी जगह पे मटेरियल आ गया मेरा, क्लियर दिख रहा है बिटमैप का सबको। मैडम मटेरियल लेने के बाद वो स्क्वायर बाजू का स्क्वायर आता है उधर है क्या सॉरी, बिटमैप का ऑप्शन कहाँ पे मटेरियल ये आप सिलेक्ट करते हो ना, लेने के बाद हाँ ये सिलेक्ट कर रहे हो ना, मॉडिफाई में जाओ, हाँ ये मॉडिफाई लिस्ट में क्लिक करो, उसमें UVW टाइप करोगे तो दिख जाएगा आपको ऑटोमेटिकली UVW। ये देखो आ गया, इसको क्लिक कर दो,
ये मुझे क्या रखना है, तो मुझे बॉक्स टाइप में रखना है। उसका साइज क्या चाहिए, जैसे मैं साइजेस वगैरह चेंज कर सकती नहीं, बिटमैप ऑप्शन का आपको, हूँ। बिट मैप चाहिए। हाँ इधर क्लिक कर रही हूँ तो इसमें दिख रहा है ना, ये मटेरियल लेने के बाद ये बटन में क्लिक करना है, ये वाला। उसको क्लिक करते हो तो अगर बाजू हाँ ये जनरल ऑप्शन है, में। उसके जनरल अगर ऑफ रहेगा इसको हाँ, ऑन कर दो, उसमें आएगा बिट मैप। बिट मैप लेना है। भी हो गया पूरा बेड को मेरा मटेरियल डाल के। आपको सिर्फ फर्नीचर डाउनलोड करके रखना नहीं है, पूरे फर्नीचर को मटेरियल भी अप्लाई करना है अपने को। अब ये सब हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो प्लान था यहाँ पे उस पे जाके पूरा फर्नीचर को सिलेक्ट करना है पहले, सब चीज़ों को। एक भी पार्ट्स मिस नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं मूव कर रही हूँ तो सब मूव हो रहा है, एक भी मिस नहीं है। अगर एक भी मिस होता है तो कंट्रोल से आप फिर से उसको सिलेक्ट करना। होने के बाद उसको फिर से ग्रुप करके रखो मटेरियल डालने के बाद। क्यों, अभी मैं एक सिलेक्ट करूँगी तो सब सिलेक्ट होएगा मेरा। देखो मटेरियल डालने के बाद हाँ, हमेशा उसको ग्रुप होना चाहिए। ओके हेलो, यस। हाँ अभी हम लोग कर्टन्स डाल के देखते हैं। मेरे पास विंडोज भी है बराबर यहाँ पे, उस पर मैं क्या करूँगी तो कर्टन डालूंगी। अगेन मैं फाइल में इंपोर्ट में जाऊंगी। अभी मेरा कर्टन्स का फोल्डर किधर है, तो यहाँ पे तो बेड था, ये कर्टन्स फोल्डर के अंदर मैंने कर्टन्स को एक्सपोर्ट करके रखा था, उसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करूंगी। ओके अभी ओके करने के बाद ऐसे ऑप्शन भी आ सकता है, तो उसको भी ओके ओके ही करते जाना है। ओके करते जाना। देखो डायरेक्ट आ गया मेरा कर्टन्स, इधर आया आया ना, उसका भी हाँ, साइज बड़ा है। तो पहले मैं उसको ग्रुप कर दूंगी, फिर इसको साइज चेंज कर देंगे, स्केल करेंगे इसको। ओके फिर टॉप व्यू में जाके इसको पहले प्लेस करके देखो बराबर लग रहा है क्या, नहीं तो फिर से साइज चेंज करना पड़ेगा। और ये रोटेट होगा अभी। पहले देखो ये मूव करके मैं लेके आती हूँ विंडो के, यहाँ पे मेरा विंडो है ना, यहाँ पे चाहिए। ये बराबर पोजीशन में आया नहीं है, तो इसके लिए इसको रोटेट करना पड़ रहा है। हुआ, फिर मूव करती हूँ यहाँ पे, इसका लेंथ भी चेंज होगा, तो फिर से स्केल करेंगे हम लोग। ओके आया। अभी मैं फ्रंट में जाऊंगी, टॉप में तो हम लोग ने उसका लेंथ देखा, फ्रंट में जाऊंगी तो क्या हो रहा है, तो ये नीचे आया। मेरा विंडो ऊपर है, विंडो के ऊपर लेके जाएंगे इसको। इसका हाइट भी कम हो गया, तो फिर से स्केल लेके अभी हाइट को किधर आ रहा है, तो वाई एक्सिस में आ रहा है। एक्स में इसका हाइट नहीं होगा, एक्स में इसका लेंथ चेंज हो रहा है। देखो वाई में जाओगे तो इसका हाइट चेंज हो रहा है, हाइट को भी स्केल करना है। इसको फिर से मूव कर देती हूँ, तो मुझे इतना ही हाइट में रखना है उसको। इतना हाइट में आ गया, इसको 3D में देखो आया। और भी थोड़ा सा नीचे चाहिए मुझे, ये कर्टन फ्लोर तक टच होना चाहिए, तो इसको फिर से स्केल करेंगे। क्लियर है, हाँ। और फिर से इसको मटेरियल डालना रहेगा, तो इसका पहले इमेज चेक करो, इसका मटेरियल कैसे दिख रहा है, वही कर्टन वाला फोल्डर में दिख जाएगा उसका इमेजेस, उसका मटेरियल कौन सा है, तो वो मटेरियल पहले हम लोग देख लेंगे। थोड़ा ग्रे शेड में दिख रहा है वो, इसको ऑलरेडी सिलेक्ट ही हम लोग ने रखा है, तो अभी से मटेरियल में जाएंगे, ये बटन को क्लिक करेंगे, बिट मैप में जाएंगे, और फिर मेरा कर्टन्स का फोल्डर किधर है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, फर्नीचर के अंदर कर्टन्स फोल्डर है, उसको क्लिक किया, कर्टन्स में जाएंगे। अभी इसमें से सेम ही मटेरियल है, दोनों दोनों में से कौन सा भी ले सकते हो। ले लिया मैंने, उसको असाइन कर देंगे, शो कर देंगे, आ गया। देखो इसको जूम इन करो, देखो थोड़ा रफ कर्टन कैसा, थोड़ा रफ रफ दिखता है ना, जैसे अपना कॉटन का टेक्सचर्स रहता है उसके जैसे ही दिख रहा है ना। अभी मटेरियल डाल दिया तो
समझ में आ गया कैसे करना है, फर्नीचर को कैसे डाउनलोड किया, उसको हम लोग ने फिर फोल्डर के अंदर लेके एक्सपोर्ट किया था, फिर हम लोग ने 3D Max में आके उसको इंपोर्ट किया, साइज को चेंज किया, साइज भी हम लोग ने किधर से किया था, तो एक रेक्टेंगल रेफरेंस बॉक्स लिया था, उसमें साइज डाल के उसके हिसाब से हम लोग ने फर्नीचर को स्केल किया था, फिर उसको हम लोग ने एक एक करके मटेरियल डाला और लास्ट में उसको फिर से ग्रुप करके रख दिया। ओके क्लियर? यस मैम। हाँ।